मेक एजुकेशन ईजी। स्टूडेंट्स, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर कर रहे हैं और आज भी हमारा टॉपिक फंक्शनल ग्रुप्स ही है। हाफ फंक्शनल ग्रुप्स हम पहले कर चुके हैं और जो हाफ रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं और जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, दैट्स आर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वो हम आज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन और हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तीन हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं और इनके फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम एल्डिहाइड को देखें तो एल्डिहाइड का जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ एंड H। ये है हमारे पास एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे हमारे पास कोई और ग्रुप हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो आप हाइड्रोजन ही ऐड करें, चाहे वो आप CH3 ऐड करें, कुछ भी ऐड करें, बट यहाँ हम कोई और जो है फंक्शनल ग्रुप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें, यानी कंडेंस फॉर्म में लिखें, तो हम इसको लिखेंगे CHO और यहाँ पे ये लाइन हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी कि साथ एक और ग्रुप जो है हमारे पास वो एल्डिहाइड के साथ अटैच होगा, ठीक है। अगर मैं अब आपको इसकी एग्जांपल्स बताऊँ एल्डिहाइड्स की, ठीक है, सबसे पहले इसका जनरल फार्मूला साथ लिख देती हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ एच है हमारे पास, यहाँ पे हम आर लिखेंगे और आर हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी यहाँ पे हम जो है दूसरा एटम जो है वो लगा सकते हैं या एक ग्रुप ऑफ एटम लगा सकते हैं। इसी तरह इसको भी अगर कंडेंस फॉर्म में लिखें तो आर सी एच ओ। अब हम यहाँ पे लाइनिंग डालेंगे, लाइन रिप्रेजेंट करती आर को, कोई और ग्रुप ऐड होगा। अब आर हमने जनरल लिख दिया है तो अब यहाँ पे हम जो है वो लाइन ये डैश सी नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर अब मैं फॉर्म एल्डिहाइड की ही एग्जांपल्स लिखूँ, ठीक है, एग्जांपल्स लिखूँ, तो सबसे पहले अब यहाँ पे हमने इस ग्रुप को चेंज करते जाना है। एग्जाम्पल इस तरह चेंज होंगी, इसकी जगह हम सबसे पहले मैं जो एग्जाम्पल लिख रही हूँ, ठीक है, वो मैं यहाँ पे इस आर की जगह हाइड्रोजन पुट कर रही हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास कंडेंस फॉर्म में बनेगा HCHO। इसको हम बोलेंगे फॉर्म एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और इसका नाम होगा फॉर्म एल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्म एल्डिहाइड भी हम इसे बोल सकते हैं और इसे मीथानल भी बोल सकते हैं। मीथानोल नहीं है, नोल हमेशा अल्कोहल्स के साथ ऐड होते हैं, मैं बोल रही हूँ मीथानल, NaL आखिर में लगेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर एक और इसी एग्जांपल लें तो हम इसी को चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हमने R की जगह हाइड्रोजन पुट कर दिया था, अगर अब हम इस R की जगह कुछ और पुट करना चाहें तो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ CH3। तो जब हमने CH3 यहाँ पुट किया, ठीक है, तो जहाँ भी हमारे पास हाइड्रोजन जगह कंडेंस फॉर्म में भी CH3 आ जाएगा, इसका नेम फॉर्म एल्डिहाइड से चेंज हो के एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा, एसिड एल्डिहाइड। और इसको हमने बोला था मीथानल जब हाइड्रोजन था, और जब CH3 ग्रुप लग गया तो इसको हम बोलेंगे ईथानल, ठीक है। तो ये थे हमारे पास एल्डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंडेंस फॉर्म में भी याद रखना है और ओपन फॉर्म में भी याद रखना है। बहुत ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स यूज होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कीटोन की तरफ। कीटोन और एल्डिहाइड में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है कि कीटोन में हमारे पास जस्ट सी डबल बॉन्ड ओ होता है और दोनों तरफ हमने कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगाना होता है, हाइड्रोजन कहीं नहीं होता है। जबकि एल्डिहाइड में एक डिफरेंस ये है कि उसके एक तरफ हाइड्रोजन मस्ट होना है, लेकिन कीटोन में ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ आप CH3 भी लगा सकते हैं, एक तरफ हाइड्रोजन लगाएं, दोनों तरफ कुछ भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि हाइड्रोजन लगा हुआ ही होगा, ठीक है। तो ये कीटोन का मैंने आपको बताया, उसी तरह कीटोन को शॉर्ट फॉर्म में हम CO लिखेंगे और इसके दोनों तरफ डैश डालेंगे बिकॉज हम इसके दोनों तरफ हमने जो है वो ग्रुप ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है हो गया कीटोन। नेक्स्ट हम चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत सिंपल है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी, बट आपने कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड को मिक्स नहीं करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ ओ एंड एच। अब आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड में भी हमारे पास यही है, लेकिन एल्डिहाइड में हमारे पास जस्ट एच था, इसमें हमारे पास जो एक एडिशन हुई है वो हुई है यहाँ पे ओ की, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओ एक एक्स्ट्रा आ गया, यानी सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ओ एच आया है और एल्डिहाइड में सिर्फ हमारे पास जो है वो एच आया था। इसको अगर हम कंडेंस फॉर्म में लिखें तो सी डबल ओ एच आएगा क्योंकि दो हाइड्रोजन आ गए, इसमें हमारे पास जस्ट सी ओ एच या सी एच ओ था। तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में बहुत मेजर डिफरेंस है और आपने इस डिफरेंस को याद रखना है, बिल्कुल भी
मिक्स नहीं करना है, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उनकी फार्मूलाज को 2-3 बार रोज़ डेली आपने पीछे से आप पढ़ें तो बिल्कुल भी इंशाल्लाह ये फंक्शनल ग्रुप्स आप लोगों को जो है वो भूलेंगे नहीं। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिया करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।